अभी हाल ही में तमिलनाडु की कोवल पट्टी कडलई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जीआई टैग क्या होता है, तो इस विषय पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि किसी स्पेशल जगह पे कोई स्पेशल चीज़ बनाई जाती है या किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो उसको एक अलग से पहचान देने के लिए सरकार उसको एक भौगोलिक संकेत यानी एक उसको निशान देती है, जिसको हम जीआई टैग कहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविल पट्टी कडलई मिठाई के बारे में और जानेंगे कि इस मिठाई में ऐसी क्या खास बात है कि इसको जीआई टैग दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। तमिलनाडु की प्रसिद्ध कोविल पट्टी कडलई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। इसके लिए आवेदन कोविल पट्टी जो क्षेत्र के कडलाई मिठाई निर्माता हैं उनके द्वारा दायर किया गया था। दोस्तों, यह मिठाई थूथुकुड़ी जिले के कोविल पट्टी और आसपास के कस्बों और गांव में सन 1940 से ही निर्मित की जा रही है। वैसे तो यह मिठाई भारत के विभिन्न हिस्सों में बनाई जाती है, लेकिन इसको बनाने का पहला प्रयास एक ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले पोनाम्बला नादर ने किया था। उन्होंने गुड़ को गर्म करके उसमें मूंगफली के दाने डालकर यह मिठाई बनाई थी और उन्होंने ही इसे चौकोर आकार दिया था। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये मिठाई भारत के लगभग हर शहर में बनाई भी जाती है और खाई भी जाती है, तो इसका नाम भी अलग अलग होगा। दोस्तों, हरियाणा में इस मिठाई को गज्जक के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पे इस मिठाई को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं तमिलनाडु के कोवल पट्टी कडलई मिठाई को ही जीआई टैग क्यों दिया गया। बाकी भारत में और जगह पे बनाई जाती है, वहाँ इसको क्यों नहीं जीआई टैग दिया गया। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि इस मिठाई को बनाने का सबसे पहला प्रयास कोविल पट्टी टाउन के एक ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस बात की जाँच करने में लगभग 5 साल का समय लग गया, जिसकी वजह से इसको जीआई टैग मिलने में इतना समय लग गया। दोस्तों, तमिलनाडु की कोविल पट्टी कडलई मिठाई को जीआई टैग मिलने का एक दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ की मिठाई में जो सामग्री यूज़ की जाती है वो अपने आप में एक विशेष सामग्री होती है, जो भारत में बाकी जगह पर बनने वाली मिठाई में यूज नहीं की जाती। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इस मिठाई को बनाने में जो गुड़ प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। दोस्तों, इसमें जो गुड़ डाला जाता है वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाता है और कुछ खास इलाकों में इसका उत्पादन किया जाता है। यह गुड़ काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसके कारण यह मिठाई भी काफ़ी सॉफ्ट बनती है। दोस्तों, ऑर्गेनिक होने के कारण इस गुड़ का स्वाद काफ़ी बढ़िया होता है, जिससे इससे बनी मिठाई अपने आप में विशेष होती है। दोस्तों, दूसरी सामग्री है इसमें प्रयोग होने वाला पानी। इसमें जिस पानी का प्रयोग किया जाता है वह पानी ताम्रपर्णी नदी से लिया जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के पानी के कारण इस मिठाई का स्वाद काफी अलग हो जाता है। और तीसरी सामग्री है मूंगफली। दोस्तों, इसमें प्रयोग होने वाली मूंगफली एक विशेष जगह अरुपकोट्टे में काली मिट्टी में पैदा की जाती है, इसे वहीं से मंगवाया जाता है। दोस्तों, अभी जो 3 सामग्री मैंने बताई हैं, ये तीनों सामग्री कोवल पट्टी क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकती हैं, बाकी की जगह पे ये सामग्री मिलना मुश्किल है। तो ये कारण है कि वहाँ की मिठाई को जीआई टैग दिया गया है और बाकी किसी जगह पे जीआई टैग नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अभी बताई बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु की कोविल पट्टी कडलई मिठाई जिन सभी कच्चे पदार्थों से बनाई जाती है वे सबसे उत्तम होते हैं। भारत में बाकी जगह पर बनने वाली इस मिठाई में ऐसे कच्चे पदार्थों का प्रयोग करना लगभग न के बराबर है। शायद यही कारण है कि इस मिठाई का स्वाद अपने आप में अनोखा है और इसी अनोखेपन के कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इस मिठाई के जीआई टैग का फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर इसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद मिठाई का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद स्टेटस में रजिस्टर्ड एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का एड्रेस और ध्यान से देखिए डेट ऑफ फिलिंग को, जो है 3 जुलाई 2014,
जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको जीआई टैग मिलने में 5 साल से भी अधिक का समय लगा है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, इसको 3 जुलाई 2014 को अप्लाई किया गया था और इसको अभी 2020 में जाके जीआई टैग मिला है। बाकी की जानकारी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे नीचे इसका सर्टिफिकेट नंबर है 363। अब अगर बात करें कि इस मिठाई को जीआई टैग मिलने से क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों भारत ही नहीं, इस मिठाई को जीआई टैग मिलने से विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे इसको निर्यात करने में काफ़ी आसानी होगी और इसको निर्यात करके वैश्विक करेंसी भी प्राप्त की जा सकेगी। दोस्तों इस मिठाई की जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये मिठाई लंबे समय तक खराब नहीं होती है, जिसकी वजह से इसे दूर बसे ठंडे देशों में भी निर्यात किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कोविल पट्टी कड़लई मिठाई से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।